अबे क्या हुआ, क्यों आवाज दे रहा है? ए यार भाग क्या, सरदार पतीले खान के टूल से खून आ रहा है, जल्दी आ। ये देख। अरे पागल क्यों शोर कर रहा है, ये तो पेट्रोल है, हमारी किस्मत बदलने वाली है। पेट्रोल? हाँ। अरे ये तो पेट्रोल दे रहा है सरदार का टूल। अरे एक काम कर, जल्दी जा इसको सलाफ लगा, दो तीन बाल्टियां और निकालो, जल्दी जा जल्दी जा। अरे ये देखो, अरे पेट्रोल आ रहा है बाबा। अरे मनोज क्यों पेट्रोल दाय कर रहा है, इसे बाल्टी में भरा और भेजे इसको। मेरा तो दिमाग काम भी नहीं कर रहा, ये देखें ट्यूबवेल से पेट्रोल, किस्मत बदल गई हमारी। अरे मनहूस शोर मत कर, कोई सुन लेगा। ओहो जलाली क्या देख रहा है, जल्दी ट्यूबवेल चला, सारा पेट्रोल निकाल के बेच देते हैं, अमीर हो जाएंगे। अरे मनहूस कैसी बातें कर रहा है, कितना पेट्रोल इसमें से निकाल के बेचेंगे, मैं तो कहता हूँ पूरा ट्यूबवेल खरीद लेते हैं सरदार लोटे खान से। मनहूस सरदार लोटे नहीं, सरदार पतीले खान, सरदार पतीले खान के पास चलते हैं, पूरा ट्यूबवेल खरीद लेते हैं, फिर सारी जिंदगी पेट्रोल बेचेंगे। चल चल। मुंशी ये देख हमारा रकबा खराब होता जा रहा है, मैं तो कहता हूँ इसको बेच के शहर में रकबा ले लेते हैं, कोई आइडिया बता इसको बेचने का। मैं तो गुलाम हूँ आपका, मैं क्या बता सकता हूँ। तो मैं कोई आइडिया लगाता हूँ, मेरे पास एक प्लान है। मनहूस एक काम करते हैं, तू इधर रुक, मैं पैसों से भरा हुआ बैग अभी लेके आया, फिर सरदार के पास चलते हैं। अरे ओ मनहूस तेरे पास इतने पैसे कहाँ से आए? दादाजी के गट्टू में इतने सारे पैसे पड़े हैं, थोड़े से लेके आए, सरदार को लालच देंगे, उसी वक्त ट्यूबवेल हमारे नाम कर देगा, फिर पेट्रोल बेच के दादाजी को पैसे दे देंगे। हाँ जल्दी आ जल्दी। अरे ये देख पैसे ले आया हूँ दादाजी के। अगर दादाजी को पता चल गया ना, दादाजी हमारी हड्डियाँ तोड़ देगा। अबे मनोज एक मेरी बात सुन, जब ट्यूबवेल खरीद रहे हैं तो सारा पेट्रोल बेच के दादाजी को इससे भी डबल पैसे दे देंगे, बस सरदार को बुलाओ। उस वो देख सरदार तो अपने खेत में खड़ा है। आ रहा है सरदार, आज लगता है ट्यूबवेल लेके जाएंगे, जो कुछ भी हो जाए ट्यूबवेल लेके जाएंगे। आ जाओ सरदार साहब। हाँ मैं गलील हो चुका हूँ, मेरा सारा रकबा भेज दो, मैं आज ही शहर जाके शहर में रकबा लूंगा। सरदार साहब हम आपके पास एक छोटी सी रिक्वेस्ट लेके आए हैं सरदार साहब। अबे मनहूसा मैंने तुम्हें पानी लगाने के लिए भेजा था, यहाँ क्या कह रहे हो, ये क्या लेके आ गए हो? अरे सरदार साहब जो आपका ट्यूबवेल है ना वो हम खरीदना चाहते हैं, बैग में हम पैसे लेके आए हैं। अरे पैसे तुम्हारे पास कहाँ से पैसे? सरदार साहब आप पैसों की फिक्र ना करो, पैसों की बात भी ना करो, बस हमें ये बताओ ट्यूबवेल के कितने पैसे हैं। हाँ जल्दी बताओ हमें टाइम नहीं है। अबे मैं अकेला ट्यूबवेल नहीं बेच सकता, इसके साथ 20 एकड़ जमीन है, वो भी मैं बेचना चाहता हूँ, और इसकी कीमत है 1 करोड़। 1 करोड़? क्या हुआ हवा निकल गई? अरे नहीं नहीं सरदार साहब मैं पूरा 1 करोड़ लेके आया हूँ, ये देखो। अरे सरदार साहब ये पकड़ो बैग पैसों का भरा हुआ, और जल्दी करो जमीन के कागजात निकालो। और ये लो कागज, और आया जाओ अय्याशी करो। सरदार साहब ये बैग आपको गिफ्ट दे रहा हूँ, पेट्रोल हमसे डलवाने आना। अरे सरदार साहब ये क्या कर रहे हो, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा, रंग क्यों डाल रहे हो इसमें? अबे चुप हो जा घर चल, मैं तुझे सब कुछ बताता हूँ चल। अरे जल्दी जा, ट्यूबवेल को एक बार फिर सलफ लगा, पेट्रोल की जियारत कर लूं, फिर किसी कंपनी वाले के साथ बात करते हैं, पूरा पेट्रोल बेचने की बात करते हैं, जल्दी जा। अरे हाँ सलफ लगाता हूँ। पेट्रोल आएगा, पेट्रोल कंपनी वाले के साथ बहुत जब करेंगे ना। आयो।
ये देख पेट्रोल की बजाय पानी आ गया, सरदार ने धोखा किया है हमारे साथ। अब तू जाने और दादा जी जाने, मैं तो जा रहा हूँ। बर्बाद करके रख दिया।